आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एज वी नो दैट द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस आफ्टर रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नेचर सब रिएक्टेंट के नेचर से डिफरेंट होता है जैसा कि आप जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है केमिकल रिएक्शन के, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जिसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक्स और अपना नोट्स जो है आप अपने पास रखें पेन कॉपी के साथ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन का टाइप्स है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे एक रिएक्टेंट एक्स है और दूसरा वाई, अगर ये दोनों कंबाइन करेंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा जो कि एक्स वाई है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट सिर्फ दो हों, रिएक्टेंट दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ सिंगल एक प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उसे भी देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि एक्टिविटी 1.1 एनसीईआरटी में मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। एक्टिविटी 1.1 आप देख सकते हैं। तो ये एक रिएक्शन है। यहाँ पे दो सब्सटेंस मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को जब हीट करेंगे, राइट, तो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन एयर टू फॉर्म वाटर्स। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1.1 देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.1 में एक बीकर है और बीकर लेंगे, उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड, राइट, जिसे क्विक लाइम बोलते हैं, वो लेंगे और फिर वाटर को पोर करेंगे। कुछ देर बाद हम बीकर को टच करेंगे तो हीट में क्या चेंजेस आएंगे यही इस एक्टिविटी में देखना है। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से होगा और आपको मिलेंगे आफ्टर रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से हुआ, मिला प्रोडक्ट आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे स्लैक लाइम बोलते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर और प्रोडक्ट आपके मिल रहे हैं सिर्फ आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हीट में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये रिएक्शन विग्रस रिएक्शन होता है। विग्रस मतलब कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन होता है और यहाँ पे ये हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स वाई ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से होगा तो वाटर मिलता है और इस रिएक्शन के लिए हीट की ज़रूरत होती है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि H2+O2 इट विल गिव्स H2O। द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे भी वही हो रहे हैं कि दो आपके रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, प्रोडक्ट एक सिंगल मिलता है, राइट। तो ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि जब हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन गैस से होगा तो आपको मिलेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन HCl जो मिल रहा है ये गैस होता है बेसिकली यहाँ पे, लेकिन HCl जब हम एसिड बनाएंगे तो इस गैस को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो आपको HCl एसिड मिलेगा, राइट। तो ये आपके यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, प्रोडक्ट एक सिंगल है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक और एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, HCl। तो आपको मिलते हैं यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, NH3+HCl इट विल गिव्स NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो ये भी आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप्स है क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, राइट। तो ये हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा टाइप्स है आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसे देखते हैं। और अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस
स्प्लिट्स इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस। एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूट जाते हैं, यही डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते थे और सिंगल प्रोडक्ट होता था, राइट। और यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस आपके टूट जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में, तो प्रोडक्ट दो से ज़्यादा है, राइट। तो ये रिवर्स होता है डीकम्पोजिशन कम्पोजिशन रिएक्शन का। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमें मिलते हैं, राइट। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, उसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, राइट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। ये रिएक्शन तो पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखे थे, राइट। तो यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं। तो रिएक्टेंट आपके कितने हैं, रिएक्टेंट डीकम्पोजिशन में एक है और प्रोडक्ट आपके दो मिल रहा है, दैट्स वाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक्टिविटी 1.5 देखते हैं। एक्टिविटी 1.5 में क्या है कि टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट सोल्यूशन इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में यहाँ पे ये फिगर में आप देख सकते हैं कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट सोल्यूशन लेंगे और आपको चेंजेस देखना है यहाँ पे कि कलर में, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर में क्या चेंजेस जा रहे हैं, राइट। और जब इसे हीट करेंगे बेसिकली, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट सॉल्यूशन टूट जाएगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में आपके टूट जाएंगे, जैसे कि ये रिएक्शन में है, राइट। तो यहाँ पे चेंजेस आपको जो देखने को मिलेंगे, आपका जो है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो होता है लाइट ग्रीन होता है, और जब ये इसको हीट करेंगे तो ये टूट जाएंगे आपके फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे कलर में चेंज होगा, बेसिकली लाइट ग्रीन से कन्वर्ट हो जाएगा आपके वाइट में, राइट। तो कलर में चेंजेस हुआ और आपको वेफ्टिंग, आपको स्मेल मिलेंगे, तो स्मेल भी मिल रहे हैं आपको। तो ये आपके ये एक्टिविटी 1.5 में ये रिएक्शन मिल रहा है। यहाँ पे डीकम्पोजिशन हो रहा है फेरस सल्फेट का, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस टूट जा रहा है 3 सब्सटेंस में, तो ये आपके डीकम्पोजिशन का ये टाइप्स है। जब लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे यहाँ देखिए एक्टिविटी 1.6 में, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि जब लीड नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो आपको जो ये रिएक्शन मिलेंगे, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आपके प्रोडक्ट में मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे लीड ऑक्साइड को, लीड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा आपके 3 सब्सटेंस में, क्या क्या, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में। यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये हाईली पॉइजनस होते हैं, एटमॉस्फेयर के लिए भी सही नहीं होता है, और इस ब्राउन फ्यूम्स होता है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, राइट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये भी आपके डीकम्पोजिशन का ही एग्जांपल है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है कि वाटर का फॉर्मूला जैसे आप जानते हैं कि H2O होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके वाटर बना है। हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर देते हैं दोनों को गैस। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि दो गैस मिलके एक वाटर बना रहा है, कैरेक्टरिस्टिक चेंज, दो गैस है और प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, लिक्विड। सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को समझने के लिए ये एक्टिविटी को देखिए, एक्टिविटी 1.7। इसमें क्या है कि एक प्लास्टिक मग लेंगे और इसमें वाटर लेंगे कुछ, और फिगर में देखिए कि वाटर के अंदर दो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड है जो कि जिसके टर्मिनल्स बैटरी से जुड़े हैं। जो कैथोड मीन्स कैथोड टर्मिनल है, जो कैथोड मीन्स नेगेटिव टर्मिनल एंड एनोड मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड होगा और जुड़ेगा, और आपके एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, मतलब स्विच ऑन करेंगे, तो कैथोड टर्मिनल पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेंगे, हाइड्रोजन टूटेगा और एनोड टर्मिनल पे ऑक्सीजन गैस मिलेगा। रिएक्शन में देख सकते हैं कि आपका H2O
जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो डिकम्पोज होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस टूट जा रहा है एक से ज़्यादा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, एक से ज़्यादा मीन्स दो सब्सटेंस में, तो ये डीकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और सिल्वर क्लोराइड पे जब सनलाइट पड़ता है तो ये टूट जाता है आपके सिल्वर और क्लोरीन गैस में, राइट। तो यहाँ पे डीकम्पोज हो रहा है सनलाइट की वजह से सिल्वर क्लोराइड का। वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें तो सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे ही रिएक्ट करता है सनलाइट की वजह से, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। ये दोनों रिएक्शन जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज आते हैं। अभी तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है। पहले के ज़माने में जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर लिए जाते थे उसमें आपके ये रिएक्शन काम करते थे, राइट। तो ये आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गए। कुछ और भी एग्जाम्पल्स है वो आपको मैं ये दे रहा हूँ, आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। अब नेक्स्ट टाइप्स हम देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच one element take place of another element in a compound is known as displacement reaction. Displacement reaction में क्या होता है, एक element होता है जो दूसरे element का जगह ले लेता है basically. इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि जो more reactive element होता है वो less reactive element को displace कर देता है, right? जैसे यहाँ पर example में देखिए, copper sulfate solution का reaction जब zinc से होगा तो आपको product में मिलेंगे zinc sulfate solution एंड कॉपर। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट रिएक्टिविटी सीरीज के समझे आप इस रिएक्शन को नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आप कैसे समझेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव कौन सा है, कौन एलिमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा वो लेस स्ट्रॉन्गर को डिस्प्लेस करेगा। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज को देखिए। यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज है जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, प्लेटिनम। ये आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव है आपके पोटेशियम है और लीस्ट रिएक्टिव आपके प्लेटिनम। तो अब रिएक्शन में देखिए यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और जिंक है। तो यहाँ पे देखिए कि जिंक और कॉपर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव कौन है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर देखेंगे तो जिंक जो है कॉपर से ऊपर है, राइट। यहाँ पे दिख रहा है जिंक जो है कॉपर से ऊपर है, इसका मतलब जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो आपको मिलेगा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर डिस्प्लेस हो गया, ये रिएक्शन। तो यही होता है आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे और भी एग्जाम्पल है जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का अगर मैग्नीशियम से रिएक्शन होगा तो क्या मिलेंगे। जैसे तो आप मैग्नीशियम को देखिए कि मैग्नीशियम क्या कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी सीरीज देखिए तो मैग्नीशियम आपके कॉपर के ऊपर है, इसका मतलब मोर रिएक्टिव है। तो फिर वही होगा कि मैग्नीशियम डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, तो मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन मिलेंगे, राइट। और इसका जो ऑर्डर होता है कलरलेस सॉल्यूशन मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन का, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है ब्लू होता है और मैग्नीशियम सिल्वर वाइट, और आपके यहाँ पर मिलता है मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन, इसके साथ आपके कॉपर तो डिस्प्लेस होंगे वो मिलेंगे। वैसे ही दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रिएक्शन आयरन से करते हैं तो फिर आपको आयरन सल्फेट और कॉपर मिलेंगे। कॉपर का जो आपका कलर होता है रेड ब्राउन होता है, तो इस रिएक्शन में आपके आयरन जो है कॉपर से मोस्ट रिएक्टिव है, दैट्स वाई आयरन डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, राइट। एक्टिविटी 1.9 देखते हैं। इस यहाँ पर देखिए इस एक्टिविटी में 3 आयरन नेन लेंगे और उसके बाद 2 बीकर लेंगे, मार्क कर देंगे बीकर में ए और बी से, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे 10 ml दोनों बीकर में। उसके बाद 2 आयरन नेल को हम धागे में बांधकर एक टेस्ट ट्यूब में इमर्ज करेंगे, राइट। एंड उसके बाद आफ्टर 20 मिनट्स हम नेल को बाहर निकालेंगे और कंपेयर करेंगे सॉल्यूशन का दोनों समूह, जैसे कि दोनों टेस्ट ट्यूब के जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था तो उसको कंपेयर करेंगे, और दो आयरन जो है जो सॉल्यूशन में थे वो और जो बाहर एक सिंगल रखे थे उससे कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए तो क्या चेंजेज आपको देखने को मिल रहा है। तो रिएक्शन में देखिए किस तरीके से रिएक्शन यहाँ पर होगा। जब आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से होगा, मीन्स आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर का डिस्प्लेस करेगा और आपको फेरस सल्फेट सॉल्यूशन मिलेंगे।
जो कि लाइट ग्रीन कलर में आपको ये सॉल्यूशन होंगे और रेड ब्राउन आपका कलर होता है। तो ये आपको जो सॉल्यूशन में जो कलर में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फेड कलर आपको मिल रहा है ग्रीन कलर से, राइट। तो ये आपको ब्लू ग्रीन से ये लाइट फेड कलर के कलर आपको लाइट ग्रीन कह सकते हैं, लाइट ग्रीन कलर के ये आपके कलर चेंजेस मिल रहे हैं। बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं, वो ये आपके एग्जांपल्स हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए इसे, राइट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन में बेसिकली आयंस के एक्सचेंज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ इट्स आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, राइट। मतलब कि आयंस का एक्सचेंज होगा। एग्जांपल देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन में, यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है जिसका रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से होगा। तो आपको प्रोडक्ट में मिल रहे हैं बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे सल्फेट आयन जो है ये, और यहाँ पे बेरियम आयन, तो ये एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे जो ये आयन्स है आपके सल्फेट और बेरियम के, तो ये आयन में एक्सचेंज हो रहे हैं और आपको प्रोडक्ट मिल रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। द रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल था। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से होगा, तो आपको सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए आयंस का किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है, आप फिगर में देख सकते हैं कि आपके सिल्वर नाइट्रेट से यहाँ पे आपको सोडियम नाइट्रेट मिल रहे हैं और सोडियम क्लोराइड जो है आपके सिल्वर क्लोराइड मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, राइट। वैसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का, ये आपके एग्जांपल्स है, ये बहुत आसान सा है, तो आप इसे नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए घर पे। और लास्ट टाइप से आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिलेटेड है। यहाँ पे किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड होगा या हाइड्रोजन जो है रिड्यूस होगा, राइट, रिमूव होगा, या तो ऑक्सीजन ऐड होंगे या ऑक्सीजन रिमूव होंगे। यहाँ पे देखिए इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे गौर से समझिए, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन हाइड्रोजन अगर रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, राइट। उसी तरीके से रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो रिडक्शन अगर देखते हैं, तो रिडक्शन में क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसी सब्सटेंस में तो हम कहेंगे रिडक्शन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन। तो दोनों डेफिनेशन यहाँ पे है कि अगर पहला ऑक्सीडेशन में देखें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, राइट। और रिडक्शन में देखें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अपोजिट हो रहा है। देखिए यहाँ पे गौर से ऊपर देखिए, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो इसको समझने के लिए वहीं आपके कुछ एग्जांपल्स देखने होंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पर रिएक्शन देखिए, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन से होगा, तो आपको मिलेंगे कॉपर और वाटर H2O। तो देखिए इस यहाँ पर किस तरीके से आपके रिएक्शन हो रहा है, जैसे कॉपर ऑक्साइड है और आपको यहाँ फाइनली आपको मिल रहे हैं कॉपर, तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो अगर मैं पहले ही बताया डेफिनेशन में कि ऑक्सीजन का रिमूवल जो होता है रिडक्शन होता है, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो जा रहा है कॉपर में, राइट। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। और हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन है रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट में मिल रहे हैं H2O, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड है, तो यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो इसी तरीके से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी 1.11 में आप देखिए कि एक चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिए हैं और जब इसको हीट करेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है,
कि कॉपर को हीट करने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो ये तो आपका ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे हम जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है कि जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन जब कार्बन से होगा तो आपको जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेंगे। यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन का देखिए रिमूवल हो रहा है जिंक ऑक्साइड से, तो आपका क्या है, ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन होता है, तो आपका जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा जिंक में, और कार्बन में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है टू कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। तो यहीं पे मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में मैं बता दूँ। देखिए जो ऑक्सीडाइज होता है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, समझिए अपोजिट होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए इसी रिएक्शन में हम देखते हैं कि क्या जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कार्बन यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो बस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जो रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक और एग्जांपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन का देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन क्लोरीन गैस से होगा तो आपको मिल रहा है सल्फर और HCl, राइट। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो आपका क्या होगा, डेफिनेशन याद कीजिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपका ऑक्सीडेशन होता है अपोजिट, राइट। तो ये ऑक्सीडेशन होगा इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा और आपका क्लोरीन में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, दैट्स वाई ये क्लोरीन गैस जो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं एग्जांपल्स तो टोटल नहीं कराऊंगा, कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एक और पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझने के लिए, ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म्स में देखे थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स के भी टर्म्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि नॉन मेटल का एडिशन जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, राइट। नॉन मेटल का एडिशन ऑक्सीडेशन और मेटल का एडिशन जो आपके रिडक्शन होता है एंड वाइस वर्सा। और वहीं अगर दूसरा देखें मेटल्स का एडिशन जो होता है रिडक्शन होता है और नॉन मेटल्स का आपके एडिशन जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, जैसे कि ये डेफिनेशन मैं दे दे रहा हूँ। इस पे एक एग्जांपल मैं करा देता हूँ आप। तो यहाँ पे जब कॉपर को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपको मिलेंगे कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और यहाँ पे नॉन मेटल है और प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन के साथ मेटल का एडिशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ मेटल का एडिशन हो रहा है, दैट्स वाई क्या होगा, मेटल का एडिशन मतलब रिडक्शन, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से एग्जांपल्स हैं मेटल्स और नॉन मेटल से रिलेटेड भी, आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप समझ सकते हैं। डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग आप जाइए और क्वेश्चन कीजिए, आपको समझ में आएंगे सारे। अगर आपको कुछ डाउट्स हो रहे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा, राइट। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कुछ डैमेजिंग इफेक्ट होते हैं मेटल्स पे, जैसे कि कोरोजन आपको देखने को मिलते हैं। तो कोरोजन में क्या होता है कि आपके रस्टिंग जो है एक फास्ट प्रोसेस होता है, जो कि आयरन का रिएक्शन होता है और एक लेयर्स आपको आयरन ऑक्साइड मिलते हैं, राइट। तो कोरोजन एक स्लो प्रोसेस होता है, जैसे ज्वेलरी जो होते हैं सिल्वर वगैरह के, बहुत दिनों के बाद उस पर काले काले से फेड आ जाते हैं, तो वो कोरोजन की वजह से होता है, स्लो रिएक्शन होता है। तो कोरोजन जो होता है आपका एक स्लो प्रोसेस होता है जिसमें एक मेटल्स जो होते हैं बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसके वजह से उस पर एक लेयर्स आ जाते हैं ऑक्सीजन के। तो और एंसिडिटी अगर बात करें तो फूड्स वगैरह में हमारे टेस्ट में चेंजेज आते हैं, मतलब फूड्स हम कह सकते हैं कि अगर फूड्स ख़राब होते हैं तो उसके स्मेल में टेस्ट में चेंजेज आते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन के वजह से ही होता है, राइट। तो ये सारे ऑक्सीडेशन के हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कुछ जो डैमेजिंग इफेक्ट है वो देखने को मिलते हैं हमारे डेली लाइफ में। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है, राइट। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डाउट्स को रिस्पॉन्ड करूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, राइट। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर।